सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है उज़ैर भाई और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इन्फॉर्मेशन वीडियो। जैसे कि मुझसे बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं और नीचे जो है कमेंट्स वगैरह भी आते हैं, व्हाट्सएप पर भी लोग पूछते हैं कि हमने इस तरह का बाइक बनवाना है या फिर हमने पूरा बना बनाया बाइक लेना है, इस बारे में हम आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने पर हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर मिलेंगे, आप जो है ये डिटेल पहले आपके साथ शेयर करते हैं। जी उज़ैर भाई, थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो पीके के जो नाज़रीन है, पीके बाइक्स के नाज़रीन है, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम इस वक्त मार्केट में जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए बाइक मुतारफ़ कराए हैं, यानी कि कोई भी आप बाइक लेते हैं तो उसके साथ आप छोटे व्हील्स में या बड़े व्हील्स में टायर लगवाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आप आगे वो बनवा सकते हैं अपनी मर्जी से ऑर्डर किसी की। कोई अगर आप यहाँ पर करीब आए, मेरे कैमरा करीब लाएँ। जैसे कि अब ये बंदे के एक हाथ का मसला था और एक लात का मसला था, यानी कि ब्रेक नहीं दबा सकता था। बिल्कुल। तो उसकी ब्रेक जो है ये हाथ में हमने कर दी है। सही। ये हाथ में इसका कनेक्शन करके अगर बैक साइड पे अगर आप जाएं तो इसमें डिस्क हमने डाल के ब्रेकिंग में बड़े इसमें यामा वाई बी आर वाली डिस्क डाल के इसका ऑप्शन हमने कर दिया ताकि ब्रेकिंग अच्छी हो। सही, यानी कि डिस्क भी आपने क्वालिटी वाली डाली है। जी, डिस्क इसमें अच्छी वाली डली हुई है। उसके बाद इसमें व्हील जो है वो भी अच्छे वाले डले हुए हैं। सही, व्हील देख सकते हैं आप। उज़ैर भी ये ट्यूबलेस टायर है या नहीं? नहीं, ये ट्यूब वाले टायर है। ट्यूब वाले, सही जी। उसके अलावा इसका अगर आप गियर हाथ में चाहते हैं तो इसकी गियर भी इन्होंने हाथ में दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर आप ये मीटर जरा बैठ के जरा चेक करवाएं। मैं बैठ के चेक करवा देता हूँ। तो ये इन्होंने खुद तैयार किया है। इसमें आपको दो तीन किस्म की ऑप्शन मिल जाती हैं। अगर आपके पास बाइक अपना है, आप इसको इस तरह तैयार करवाना चाहते हैं, अपना बाइक ले आएँ, उसकी सारी हम प्राइस वगैरह आपको यहाँ इस वीडियो में मेंशन करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने बना बनाया बाइक लेना है, आप चाह रहे हैं कि होंडा किसी भी बाइक में लग सकता है, 100 हो, 125 हो, मतलब जितने मर्जी सीसी हो, कोई भी सीसी भी हो, 70 से लेकर 150 तक जो है ये बना के देते हैं आप। सही। उसके अलावा अब हम इसकी सल की तरफ आते हैं, ये स्टार्ट हो गया। सही। अब गियर इसके जो है वो हाथ में हमने लगाए हुए हैं। बिल्कुल। ये अभी आपको मैं गियर का बताता हूँ ऑफ करके। सही, थोड़ा सा बताइए जी। ये इसका ये हाथों में आते हैं, ये पहला गियर लग गया। पहले गियर में। सही। ये दूसरा लग गया। अगर हाथ की तरफ भी फोकस करें तो सारा बताएगा। अगर आपने न्यूट्रल करना है तो इसी को वापस ले आए, पहले पे आ जाएगा और ये फिर जीरो पे चला जाएगा। सही। ये फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये साथ लगते जाएंगे। सही। निकालना हुआ तो ये इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। ट्रिप डाउन गियर्स हो गए। हाँ जी, ये हाथ में आ जाते हैं। अगर आपके साथ वाली साइड चाहते हैं गियर हाथ में आ जाएंगे। अगर ब्रेक आप इस तरह हाथ में चाहते हैं तो वो हाथ में भी आ जाएगी, जिस तरह ये ऑप्शन मौजूद है। सही, मतलब जिस तरह के जो कस्टमर कहता है उसकी डिमांड में हम उसी तरह इसको तैयार करते हैं। सही, मतलब जिस तरह की किसी को जरूरत है, अगर उसका एक हाथ राइट हैंड काम नहीं करता तो वो लेफ्ट की तरफ सारे ऑप्शन ले सकते हैं। वो लेफ्ट की तरफ करवाना चाहिए, लेफ्ट की तरफ हो जाएंगे, राइट साइड करवाना चाहिए, राइट की साइड हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन उसके पास मौजूद है। सही है। जिसपे आपने पाँव रखा है ये ब्रेक के लिए या क्या? ये एक पाँव स्पोर्टिंग के लिए बना गया, बेसिकली ब्रेक और गियर इसका सेट आ चुका है। अगर आप सेट के अंदर में आना चाहें। सही। अच्छा, हाँ, ये अब गियर इसके आ गया हाथ में। सही, ठीक है। अब ये आ गई इसकी फ्रंट ब्रेक, बैक ब्रेक आ गई। सही, ये इसकी आ गई फ्रंट ब्रेक। अच्छा अच्छा, ड्यूल ब्रेक्स के साथ। जी, ड्यूल ब्रेक हाथ में। ये चीज़ मेरे खुद अभी नजर पड़ी है। सही। अगर दूसरी साइड अगर आप जाते हैं तो वही क्लच का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। सही। तो उज़ैर भी एक बाइक आता है, ऑटोमेटिक बाइक होता है जी, तो उस पर भी ये चीज़ें सारी एडजस्ट हो सकती हैं? सारे एडजस्ट हो सकती हैं, लेकिन उसमें इस तरह पावर जो है वो उस तरह की नहीं होती जिस तरह की वो कस्टमर चाहता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसके साथ टायर लग के इतना वेट इसका हो जाता है कि काफ़ी, यानी कि डबल, अगर कोई दो बंदे बैठे हो तो जितना ये वेट ले जाता है। सही। उसके अलावा ये अब जो सीसी है वो 100 सीसी क्राउन का सलफ, यानी कोई अगर आप सलफ बाइक में इसको इस्तेमाल करें सबसे बेहतरीन है, सबसे मयारी है। बिल्कुल। बाकी अगर किक ऑप्शन में जाते हैं तो वो भी आपके पास मौजूद हो जाता है, किक हाथ में जाते हैं तो हाथ में भी किक आपके पास आ जाएगी, पहुँच जाएगी। सही हो गया। और बाकी इसमें आते हैं दो किस्म के, एक छोटे व्हील्स में आता है और एक बड़े व्हील्स में आता है। सही। अगर बड़े व्हील्स में आप कराएंगे तो टोटल आपका बजट आता है 36,000 रुपये का, कोई भी बाइक आप करवाना चाहते हैं। सही। छोटे व्हील्स में कराएंगे वो 26,000 से 27,000 के दरमियान, और इसके अलावा जो मॉडिफिकेशन होती है वो 50,000 से आते हैं। आपको एक बार दोबारा बता दूं कि अगर बाइक आपका अपना है
और आप ये सिस्टम लगाना चाहते हैं जिसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिलता है, तो तकरीबन 36,000 पे आप माइंड में रखिए। और 36,000 छोटे टायरों में जो है वो 25 से 26,000, डिपेंड करता है कि आप अगर और मॉडिफाइड इसको करना चाहते हैं, कुछ नए ऑप्शन इसमें इस साइड पे राइट या लेफ्ट पे लेना चाहते हैं। सबसे हैवी ऑप्शन है उसमें 36,000 है, जो नॉर्मल ऑप्शन है वो 25 से 26 के दरमियान। सही, नॉर्मल ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें स्किप हो जाती हैं? छोटे यानी कि टायर लग जाते हैं। सही, डिस्क ब्रेक नहीं होती होगी, डिस्क नहीं होती उसमें, डिस्क जो है वो वैसे में आती है। सही हो गया, फिर डिस्क क्वालिटी बेहतर है, ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि आगे बंदा तो डिसेबल होता है, उस ऊपर अगर ब्रेकिंग भी अच्छी ना हो तो फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, ज़ाहिर भी थोड़ा सा चला के चेक करवाएंगे नाज़रीन को। सही, यानी कि वो बाइक के चार गियर के अलावा होगा या उसमें अलग से कोई गियर का ऑप्शन डालेंगे? सही, तो फ्रेंड लास्ट में आपको एक वॉक अराउंड दिखा देते हैं इसका कंप्लीट, कि ये कैसे तैयार किया गया है, क्या चीज़ें क्या नहीं है। और अगर कोई बंदा ऑर्डर करना चाहता है तो ये नंबर इस पर, मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूँगा, आप वहाँ पर कॉल करके पता कर सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो उन लोगों के लिए, मतलब काफ़ी लोग मुझे व्हाट्सएप पर भी कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज वगैरह कर रहे होते हैं कि यार हमने इस तरह, मैं मजदूर हूँ, मैंने तैयार कराना, बेसिकली मैं कहाँ से तैयार कराऊँ, किस तरह तैयार कराऊँ, तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको दी गई है, आप ये वीडियो पूरी देखें। बस लास्ट में आपका हौसला सुनाने में आपसे इजाज़त चाहिए, इस वक्त साथ के अल्लाह आपको हमेशा खुश रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।